कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने लगाई पाबंदियां। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की ओपन बैठक में नई गाइडलाइन को दी मंजूरी। 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट, सभी समारोह में 200 व्यक्तियों की ही अनुमति। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुलगाम और अनंतनाग में अलग अलग कार्रवाई में 6 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। प्रदेश में मावठ के बाद जाड़े ने फिर जकड़ा जोर, शीतलहर ने भी छुड़ाई धूजनी तो कई जिलों में छाया घना कोहरा। विवादित संत कालीचरण एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार, रायपुर पुलिस ने सुबह 4 बजे होटल से दबोचा, धर्म सांसद में गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। समाजवादी पार्टी के 6 पार्षदों ने सपा को छोड़कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सपा छोड़ने वालों में समाजवादी पार्टी के पार्षदों के नेता सुहेल अहमद भी शामिल। अमेरिका में कोविड-19 के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में 1 साल से अधिक समय बाद संक्रमण के नए मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ प्रतिदिन औसतन 2,65,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण, साथ ही सीएम योगी ने प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। कड़ाके की ठंड में एसडीएम सरदार की बड़ी पहल, फुटपाथ पर सो रहे लोगों के लिए रेन बसेरे का निरीक्षण किया और उन्हें रेन बसेरे में पहुंचाया। दो पक्षों में समझौता करना पड़ा महंगा, पुलिस ने अलीगढ़ में सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की हत्या का खुलासा कर दिया, जिसमें ये पता चला कि संदीप का कत्ल उनके दोस्त ने ही कराया, जिनकी पहचान राजीव अग्रवाल और अंकुश अग्रवाल के तौर पर हुई। शिल्पा शिरोडकर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कोरोना से इन्फेक्टेड होने की जानकारी साझा की। शिल्पा ने अपनी पोस्ट में बताया कि 4 दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली के शाहदरा इलाके के सीमारपुरी में बहन से प्यार करने पर भाई ने युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। मारने वाले का नाम शाहरुख है, जो कुछ दिनों पहले ही डासना जेल से छूटकर आया था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही एशेज सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा, अब तक 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ताजा मामला मैच रेफरी से जुड़ा है, जो कोरोना की चपेट में आ गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 8वीं तक के लिए विंटर वैकेशन की घोषणा कर दी। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार राज्य में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां रहेंगी। स्कूल अब 15 जनवरी 2022 के बाद खुल सकेंगे। गुरुग्राम से एक अनोखा मामला सामने आया, यहां पुलिस टीम ने ऐसी वसूली गर्ल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो लड़कों के खिलाफ पुलिस में फर्जी शिकायत के बाद बोलकर लाखों लूटी। छपरा के एकमा से एक महिला की हत्या कर शव को नहर में फेंकने का मामला सामने आया, पुलिस ने महिला के शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जयपुर के प्रताप नगर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल का वार्षिक महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी, साथ ही जीवन को सकारात्मक बनाने का संदेश भी दिया। पिछले 4 महीने से शराब ठेकेदार सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर झुंझुनू आबकारी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया गया। शराब व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया। झुंझुनू के बोहाना के कलाखरी गांव में बेदखली नोटिस मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने बताया कि कलाखरी गांव में गैर मुमकिन जौहर में अतिक्रमण करने वाले 135 लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। जोधपुर में यातायात नियमों की अवहेलना करने के चलते सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने लगे, जिसको लेकर एक चिकित्सक ने अपने 12.5 लाख रुपए की कार पर अलग तरह के स्लोगन लिखे हैं। जोधपुर में सत्यमेव जयते सोसाइटी की टीम ने पुलिस कमिश्नर जोस मोहन से मुलाकात की और शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ पुलिस पब्लिक मित्रता कार्यक्रम को लेकर आवश्यक सुझाव दिए। सवाईमाधोपुर के बोली के राठौत गांव में करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। अजमेर की जेल में मोबाइल मिलने का खेल लगातार जारी है। पिछले 1 महीने के दौरान सेंट्रल जेल में प्रशासन की ओर से की गई तलाशी अभियान में करीब 50 मोबाइल बरामद हुए। सिरोही के माउंट आबू के हिल्लोक होटल में शरद महोत्सव के तहत लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां सिरोही महाराज पद्मश्री रघुवीर सिंह एसडीएम पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में कार्यक्रम का आगाज हुआ।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भगवान गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की खुशहाली और तरक्की की कामना की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता जवाहर सिंह बेढड़ उपस्थित रहे। दौसा के लालसोट में अज्ञात चोरों ने सूर्य मकान को निशाना बनाया और ताले तोड़कर सामान चुरा ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में राजस्थान सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होगा, जिसे लेकर जिला कलेक्ट्रेट में इन्वेस्टर की एक बैठक आयोजित की गई। नागौर के लाडनू में उच्च माध्यमिक विद्यालय में वॉलीबॉल अकेडमी से 6 गर्ल्स खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो राजगढ़ में होने वाली राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में नागौर जिले की तरफ से खेलेंगे। नागौर के लाडनू में नई कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मान किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह घिरदौड़ा को माला पहनाकर सम्मान किया गया। नागौर के डियाबड़ी में 23वें तीर्थकर पारसनाथ भगवान का जन्म कल्याणक हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर को भव्य रोशनी और फूल मालाओं से सजाया गया। दौसा में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे तापमान में गिरावट आ गई और फसल पर ओस जमा हो गई। नागौर के लाडनू में श्याम मित्र मंडल द्वारा श्याम सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं सहित कई श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम का स्मरण किया। झुंझुनू में शुरू की गई रात्रि चौपाल के तहत जिला कलेक्टर ने चौपाल में जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने शमशान भूमि को लेकर विभिन्न समस्याएं रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के डेगाना में नगरपालिका के संविदा पर ठेकेदारों के माध्यम से लगे कर्मचारियों ने विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा को कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संविदा कर्मी सतपाल चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। झुंझुनू में नववर्ष पर खेतड़ी को 15 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। नगरपालिका में हुए पार्षदों की बोर्ड मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। पाली के देसूरी में भाजपा का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने शिरकत की। इस दौरान जिले के भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नागौर के डेगाना में विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा की अध्यक्षता में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमजन को लाभ देते हुए 93 पट्टों का वितरण किया गया। अलवर के राजगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क और पैम्फलेट वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया। उदयपुर के बावलवाड़ा में एक बाइक पर सवार 3 युवक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए, जिनमें से 2 युवक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। पुलिस ने घायल को डूंगरपुर के ICU में दाखिल करवाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने गांजे की अवैध खेती करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया और NDPC एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में आचार्य 108 विद्या सागर महाराज के शिष्य मुनिराज 108 पुंग सुधा सागर महाराज का ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया और कस्बे में बैंड और ढोल के साथ जुलूस निकाला। भरतपुर में कुम्हेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का स्वागत हुआ। गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन के उपरांत कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बांसवाड़ा में दिखाई सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। जिला कलेक्टर MG अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और तमाम अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक वार्ड में जाकर खुद ही निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की आपात सेवा 108 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रायसिंह नगर से रेफर मरीज को श्रीगंगानगर ले जाते वक्त एम्बुलेंस धीरे धीरे चलाने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। प्रतापगढ़ में नील गाय का शिकार करने के मामले में 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक बंदूक छुरा और शिकार में काम में ली गई बाइक को जब्त किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में अज्ञात बदमाशों ने 3 मकानों को निशाना बनाया और मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण पार कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर में छात्र संगठन SFI ने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर शिक्षा में निजीकरण का विरोध जताया। करौली में स्टेशनरी और फर्नीचर की दुकान में घुसकर नकाबपोश चोर करीब 60,000 की नकदी को चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस चोर की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में यूरिया खाद की डिलीवरी आते ही किसानों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिसमें जाम जैसे हालात बन जाते हैं और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिरोही के आबू रोड में काश्तकारों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। 2 दिन पहले हुई बारिश से सौंफ की फसल खराब हो गई, जिससे किसान बड़े परेशान हैं।